तो जनाब आज हम पहुंचे हैं अंगूरों के फार्म में, रियल लाइफ में देख रहे हैं अंगूर। पिछली दफा अच्छा अच्छा भाई साहब दर उसने अच्छा भाई साहब दर उसने लगता है हमें अंगूर तलाश करने के लिए छोड़ा था, कहा था घूमो अंगूर मिल गया उसमें अंगूर। तो अभी जनाब भाई साहब दर अंगूर तलाश करके मिल गया साहब भाई साहब दर मिल गया नहीं मिल गए और वो भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जनाब मेरे साथ भाई सफदर, जहीर भाई और हम फिलहाल पहुँचे हैं अंगूर के बागात में। जहीर भाई ग्रेप फार्मिंग फार्मिंग ही है ना, फार्म ही है ना, मतलब उन्होंने काफी एरिया पर लगाए हुए हैं और मैंने बाल छोटे छोटे करवा दिए, थोड़ा सा अजीब सा लगा बोडा बोडा सा। तो मतलब गर्मी आपको पता है जिस तरीके से है, तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो और साथ जो बेल है उसको प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बड़े बालों से ना जरा बेहतर लग रहे हैं जहीर भाई, आप बाल छोटे होने चाहिए। एक तो गर्मी का मौसम है ना बिल्कुल, और बाकी आप हिलजुल क्यों रहे हैं? बस वैसे ही गर्मी की वजह से। इंटरव्यू आपने लेना है या भाई सफदर ने? ये अभी देखते हैं, डिसाइडेड नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में सफदर भाई लेंगे क्योंकि उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो जहीर भाई ने तो अपनी राय दे दी अब कि किधर हम पहुंच चुके हैं और क्या सीन है। तो आप भाई सफदर भी मेरे साथ हैं, वो उस वक्त गाल में मसरूफ थे। तो जी सफदर भाई जी, ये अंगूर के बाग में आए हैं, यहाँ पर इस ऑनर का इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। अच्छा। वो भी थोड़ा सा बिजी है तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको जो है ना मतलब विजिट कर लिया जाए। और अंगूर भी है इसमें, अंगूर भी हम खा लेते हैं क्योंकि ऑनर ने हमें परमिशन दी है। आप बेशक क्लिप वगैरह बनाओ और खा भी सकते हो। तो ऑनर इनका बहुत अच्छा है। ये 9 एकड़ पर उसने फार्मिंग की हुई है। अच्छा, तो सारी डिटेल जो भी पता चलेगी उससे इंटरव्यू के बाद वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। भाई सफदर आपको बताएंगे इंटरव्यू के बाद। तो फिलहाल भाई सफदर आपने इंटरव्यू लेना है जी? प्रोग्राम तो मेरा ही है, मैं ही लूं इसका इंटरव्यू। बेस्ट आपने ही लेना है। आपने पता नहीं किधर किधर से सवाल निकाल के ले आने हैं। सही, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, हम रास्ते से गुजर रहे थे और अचानक भाई सफदर की नज़र पड़ी शिकार पर। इंटरव्यू के लिए अंगूरों का बागात देखा और इसलिए प्रोग्राम बना के पहले इंटरव्यू नहीं लिया होता ना ही लॉगिंग पर आ जाएगा। विजिट कीजिए लाजमी से और वीडियो को लाइक ज़रूर। अभी जहीर भाई और सफदर भाई और मैं दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो सामने कुछ है, क्या है जहीर भाई? कुछ फसल है आई थिंक, फसल या सब्जी है, देखते हैं आप। अच्छा सफदर भाई, अंदर ने तो कहा था अंगूरों में घूमो फिरो, क्या ख्याल है? और अंगूर खाओ, अंगूर मिले हैं? अंगूर खट्टे हैं। वो उसने इसलिए कहा है कि अगर अंगूर मिल गए तो वो भी खाएगा हम भी खाएंगे, लेकिन उसने हमें तलाश करने के लिए छोड़ा था। अच्छा अच्छा भाई साहब दर उसने लगता है हमें अंगूर तलाश करने के लिए छोड़ा था, कहा था घूमो अंगूर मिल गया उसमें अंगूर। तो हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारी मेहनत जाया नहीं गई। काफी देर से हम तलाश कर रहे थे कि अंगूर हमें मिले, आखिरकार मिल ही गए। असल में हमने दो बागात हैं। अच्छा। एक वो दूसरी साइड पे वो लगता है कोई और नस्ल है। हाँ। और जो इस साइड पे ये और ये ब्लैक अंगूर है। हाँ। तो इधर इनके जो फल लगा हुआ है, आइए जरा चेक करते हैं। और हमें बहुत खुशी हुई है कि अंगूर खाने के लिए मिल गए और दिखाने के लिए भी। तो अभी जनाब भाई सफदर अंगूर तलाश करके मिल गया साहब भाई सफदर, मिल गया नहीं मिल गए और वो भी बहुत ज्यादा। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे अंगूर तोड़ के खा रहे हैं, जबरदस्त। शहर वाले बहुत यार ना लेवल के हैं, मतलब मीठे हैं या खट्टे हैं? पहले तो खट्टे थे, वो खट्टे थे, ये साल वाले खट्टे थे। अच्छा, ये वाले मीठे हैं क्योंकि उस पर थे ही नहीं अंगूर। तो ये जनाब अंगूर है सामने और ये है जो मैंने तोड़ा है अभी, और ये
टोटली अंगूरों का बगात है और इस तरह के गुच्छे लगे हुए हैं अंगूरों के। मेहर भाई आप क्या कर रहे हो? थंबनेल यार ये दोस्तों चेक कीजिए, मेरे हाथ में अंगूर हैं। अभी हमने गुच्छा तोड़ा है और अंगूरों से लाइफ में पहली दफ़ा लाइव सीन इस तरह का देखा है और हाथों से अंगूरों को तोड़ कर खाया है, वो भी उनके बागात पर। और बहुत ही मज़े के हैं माशाल्लाह, बहुत ही मीठे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या आपने भी आप में से किसी ने भी रियल लाइफ में अंगूर हाथों से तोड़े हैं बागात पर, तो कमेंट में लाजमी बताना। माशाल्लाह ये देखें फुल ब्लैक भाई सफदर, सुभान अल्लाह ये देखिए फुल ब्लैक, खाने वाले हैं माशाल्लाह। अंगूरों का आनर नहीं आया भाई सफदर, अभी से पसीनों पसीनी हो चुके हैं गर्मी की वजह से। और अभी हम उधर उनका पीछे डेरा है उसमें बैठ कर इंतजार करने लगे हैं। ये तो वो डेरा जिसमें हम बैठ रहे हैं और अभी भाई आ गया है अंगूरों का अंदर और अभी हम जा रहे हैं इंटरव्यू लेने और फिर भाई सफदर से पूछेंगे जब वो इंटरव्यू ले लेगा तो क्या कोई सीन था, क्या कुछ उनको प्रॉफिट था, क्या कोई सवाल पूछे और क्या कुछ जवाब मिले। तो दोस्तों अभी हमारी ये टीम जा रही है, सबसे पहले पानी पियेंगे, हो सकता है पानी की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है इंटरव्यू की तरफ, कोई पता नहीं हमें तो। और ये भी बगात हैं अंगूरों के, बाबा फरीद भी गुजरेगा। तो ये दरबार था पीछे और पानी वगैरह पिया है और अभी अंगूरों के बागों की तरफ टीम जा रही है। तो अभी जनाब चेक कीजिए गांव के रास्ते, मोटरवे, ये है गांव की मोटरवे। उसके बाद जब फूल आते हैं फल बनना शुरू हो जाता है उस टाइम इसको खाद डाली जाती है, ठीक है, उस टाइम पानी लगाया जाता है, फिर दरमियान में तीन दफा ये तीन महीनों का ये तीन महीने में तैयार हो जाता है, ठीक है, तो हर महीने बाद इसको तीन पानी इसको लगाने होते हैं। इसका फल साल में कितनी दफा तैयार होता है? एक दफा। कौन से मौसम में? ये जो ये किंग रूबी है ना जी, ये यकम जून को तैयार होता है, ठीक है। वो ब्लैक में इधर चोलिस्तान है बावल नगर बावलपुर की साइड उधर ने लगाई हुए थे कुछ दोस्तों, ठीक है। हमको भी शौक लगा, पहले एक एकड़, फिर दो एकड़, फिर छह एकड़, फिर हम नौ एकड़ पर चले गए, ठीक है। वहाँ पे ज्यादा अच्छा है या यहाँ पे? दोनों जगह बराबर है, बराबर है, सिर्फ फर्क यह है उधर का ज्यादा मीठा है, ठीक है, इधर का जो है ना 80% मीठा, 70-80% होता है, ठीक है। ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है नाला जिसमें पानी वगैरह अंगूरों के लिए, अंगूरों के साथ फसल है, बाकी ये जमीन खाली है। और सामने जो है वो है बांस बम्बू फार्मिंग और वो सामने टू वेल, जूम करके दिखाता हूँ, ये सामने टू वेल आपको दिखाई दे रहा होगा और बाकी ये सारी वो उस पैदक तक आपको दिखाई दे रही होगी, बाकी ये सारी की सारी जो ज़मीन है इसमें अंगूर हैं। और वो सामने इंटरव्यू चल रहा है, भाई सफदर ले रहे हैं और ज़हीर भाई ने कैमरा पड़ा हुआ है और फिर वो सामने अंगूरों की फिर फसल आ जाती है और इस तरफ किन्नु के बगात हैं। अच्छा दोस्तों वो मेरी बैक साइड पर सफदर भाई इंटरव्यू ले रहे हैं और जब इंटरव्यू लेकर फ़ारग होते हैं तो उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्या कुछ उन्होंने क्वेश्चन किया और क्या कुछ जवाब मिले और उस वो सारा सीन आपको बताएंगे। कुछ बिहाइंड के सीन लेता हूँ वो। ये छिड़काव करना है या पानी में हल करके देनी है? ये आपने पौधों के दरमियान डालना है, पौधों के जो जड़ के आसपास डालनी है, आसपास ये तीनों दफा जड़ के आसपास ही देनी है, यस, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएगा कि अंगूर लगाने के लिए सबसे अच्छा बीज कौन सा है? इधर हमारे यहाँ जो दो नस्लें हैं चल रही है जी, बेस्ट ब्लैक नाक है जो लोकल पाकिस्तानी है, ठीक है, ये किंग रूबी है, ये बहुत जो यकम
जुलाई को तैयार होता है वो शूट कर रहा है हमारा पंजाब बल्कि पाकिस्तान पूरे में। अच्छा ये जो अंगूर है ये दूसरे अंगूर से मैंने देखा है ये माशाल्लाह अभी सूरज ग़ुरूब होने वाला है और सफदर भाई ज़ेर भाई सामने जा रहे हैं और सूरज जो है अभी फुल ग़ुरूब होने वाला है और अभी हम फिलहाल जाना है कोट मोमन तहसील कोट मोमन अपनी उधर सफदर भाई का कुछ काम है और अलविदा अंगूरों को एक दफ़ा कह रहे हैं। और अच्छा दोस्तों अभी हम भाई सफदर से पूछेंगे कि इंटरव्यू लिया जो किस कैसा रहा इंटरव्यू आपका। इंटरव्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ये मोहम्मद बूटा साहब है जिनसे हमने इंटरव्यू लिया है। इन भाई ने आपने जो अंगूर की इधर फार्मिंग की हुई है अच्छा। तो ये मोहम्मद बूटा साहब ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि इस पे कितने अखराज आते हैं कितनी आमदन होती है और कितनी इस पे केयर करनी पड़ती है और मजीद ये कि गर्मी बहुत ज्यादा है सारे हमारे कपड़े भीग चुके हैं। मोहम्मद बूटा साहब को भी हमने बहुत तंग किया आज सर आपका बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया शुक्रिया। अच्छा भाई जाना है किस नस्ल का आपका ये है फार्म। ये अंगूर है और नस्ल इसकी किंग रूबी है। अच्छा और इसका पिछले से कितने अरसे से आपने ये लगाए हुए है। तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा ठीक हो गया और क्या अखराजात थे इसके लगाने में। फी एकड़ 4 से 5 लाख उस टाइम तकरीबन 3-3.5 लाख था। अब महंगाई का दौर है तकरीबन 5 लाख 4.5 लाख हो चुका है। अच्छा दोस्तों मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए भाई सफदर जी के उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप देख सकते हैं। तो यही कुछ वीडियो थी दोस्तों कल की क्योंकि आज और कल में बहुत फर्क है। कल मेरे इतने माशाल्लाह बड़े बाल थे और आज नहीं है। तो कल अंगूरों के बगात में हमें शाम हो गई थी इसलिए मैं वीडियो का एंड नहीं कर सका। मैंने सोचा घर जाकर एंड करूँगा तो काफ़ी रात हो गई थी इसलिए एंड नहीं कर सका। और आज माशाल्लाह मौसम लगता है बारिश भी आएगी। तो और आज का प्रोग्राम था असील मुर्ग पर इंटरव्यू भी करना था और व्लॉग भी बनाना था। पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा लड़ाई वाला एक मुर्ग था वो भी उधर ही था वो भी आप लोग करना था लेकिन बारिश की वजह से आज नहीं जा पाएंगे हो सकते चले जाएँ। फिलहाल मैंने पैसे चरा रहा हूँ और इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। लाइक करें चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक इजाज़त दीजिए अल्लाह।